हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल की सारी चीज़ों के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, दवाई में, ट्यूब में, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूंगा जो मेडिकल में आती है या फिर स्किन केयर में आती है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैं अपने साथ कैनेडा लेके जाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेडिकल में अपने साथ ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूं। तो एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें मेडिकल में मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है वो है डोलो 650, जो आप लोगों ने बहुत यूज़ की होगी कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे आप लोगों ने भी इसको बहुत यूज़ किया होगा। तो ये डोलो 650 किसके पर्पज़ के लिए, इधर लिखा होगा, ये ताव के लिए और पेन के लिए मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। अगर आप लोग भी ऐसी मेडिसिन लेके जाने वाले हो तो अपने मेडिकल वालों को भी बोलो कि आप लोगों को भी इस तरह का लिख के दे, जिससे आप लोगों को पता चले कि इसको किस पर्पज़ से यूज़ करना है। जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ये गुजराती में लिखा है, आप लोगों की कोई भी लैंग्वेज हो आप लोग इस तरह से लिखवा सकते हो। तो ये डोलो 650 का मैंने एक पैकेट लिया है जो फीवर के लिए भी यूज़ हो सकता है और पेन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ये दवाई आती है इसका नाम मुझे नहीं पता, इसको लिया है, इसका पर्पस है कि इससे लूज मोशन बंद हो जाएगा और इससे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो ये लूज मोशन के लिए और इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद ये वाला पैक आता है LDO-1M, आई होप कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इसका पर्पस ये है कि इससे सर्दी भी बंद हो जाएगी और इससे एलर्जी भी नहीं होगी और खांसी भी बंद हो जाएगी। तो इस एक दवाई से हम तीन चीज़ें क्योर कर सकते हैं और तीन पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक पैक लिया है इसका, ये वाला LDO-1M का। तो उसके बाद जो आता है वो है मेन फीवर और कोल्ड के लिए। मुझे कोल्ड बहुत ही होता है, मुझे थोड़े थोड़े दिनों के बाद कोल्ड हो जाता है और वहाँ पे तो बहुत ही ठंडी हो गई, तो मुझे सर्दी तो होने ही वाली है। इसके लिए मैंने इसके दो पैक लिए जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, सर्दी ताव इसके ऊपर लिखा है गुजराती में। तो ये है डायोमिनिक DCA, इसका मैं दो पैक अपने पास लेके जाने वाला हूँ। आई होप कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसका नाम, डायोमिनिक DCA का दो पैक, जिससे सर्दी भी बंद हो जाएगी और इसको हम फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाली जो है वो उल्टी बंद करने की दवा है, जिसका मैंने एक पैकेट लिया है, इसका नाम है वोमिनिल MD, जो एक पैक मैं अपने पास लेके जाने वाला हूँ। तो उसके बाद साइक्लोपेम, आई होप कि मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये साइक्लोपेम का मैं एक पैक अपने पास लेके जाने वाला हूँ, जिसका पर्पस ये है कि इससे पेट का जो दर्द होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये इस पर्पस के लिए मैं ये एक पैक अपने पास लेके जाने वाला हूँ। तो उसके बाद जो चीज़ आती है वो है Betnovate-N, ये हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे स्किन की एलर्जी होती है तो इसके लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर हमें कहीं चोट लगती है तो इसको भी मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। स्किन बहुत ही ड्राई है तो इसको ऑयली करने के लिए अगर मैं ये क्रीम लगा दूंगा तो मेरा फेस जो होगा वो ऑयली हो जाएगा, वहाँ पे ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके पर्पज़ के लिए मैंने ये दो Betnovate-N के ये पैक लिए हैं। उसके बाद जो आती है वो है सिप्ला की ओमनी हॉट, इसको मैं लेके जाने वाला हूँ। ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग के पीरियड में मैं जब जॉब करूँगा, कॉलेज में जाऊँगा, तो मुझे बहुत चलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये ओमनी हॉट लिए, जिसकी वजह से अगर मुझे पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ में दर्द हो रहा है, हालांकि ओमनी हॉट लगा के उसको क्योर कर सकूँगा। ये मुझे यहाँ पर इंडिया में इसने मुझे बहुत ही हेल्प की है, आई होप कि कैनेडा में भी ये सेम हेल्प करेगी। और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि इससे एक दिन में सारा जो थकान होता है वो उतर जाता है। तो ये ओमनी हॉट की एक पैक मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, ये 30 ग्राम का पैकेट है, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्लिनटॉप की फॉस्फेट जेल मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, ये मैं दो पैक लेके जाने वाला हूँ, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में मैं इसके दो पैक ले लूँगा। ये क्लिनटॉप की जेल पिम्पल के लिए यूज़ होती है, इस वहाँ पे मुझे पिम्पल नहीं होने वाले, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने ये क्लिनटॉप के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पिम्पल इंडिया में हुए हैं, तो सेफ पर्पज़ के लिए ये दो क्लिनटॉप की
फॉस्फेट जेल मैंने ले लिए। तो मैंने जैसे ही आप लोगों को बताया कि बेटनोवेट एन मैंने लिए दो पैकेट, ये दो पैकेट मैंने बेटनोवेट एन के लिए, ऐसे ही मैंने एक बेटनोवेट लिया है, ये बेटनोवेट एन है और ये बेटनोवेट है, ये दोनों ही सेम है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन तीनों की तीनों एक ही पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये दो बेटनोवेट एन और एक बेटनोवेट लिया है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है सोफ्रामाइसिन, ये आप लोगों ने भी यूज़ की होगी, मैंने भी बहुत यूज़ की है। मुझे कहीं सब्जी कट करते टाइम चोट लगी या फिर खून निकल गया या फिर कोई भी बड़ा कट आ गया तो ये सोफ्रामाइसिन लगा के मैं इसको क्योर कर सकूँगा, तो उस पर्पज़ के लिए मैंने ये सोफ्रामाइसिन का एक पैक लिया है। उसके बाद जो आता है वो है हमारे पास बैंडेड, ये बैंडेड के मैंने 5 और दूसरे 5 मतलब टोटल 10 लिए, जो बैंडेड लगा के अगर कोई भी छोटी मोटी चोट लगेगी तो उसको क्योर करने के लिए ये मैंने बैंडेड के 10 पैक लिए, जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने इसको 10 लेके रखे। ये हैंड सैनिटाइजर का मैंने पूरा एक बॉटल लिया है, आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि इतना वाला बॉटल तो लेके ही जाओ, आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका, तो आप लोग इसको लेके जाओ और इसको यूज़ करो। और उसके बाद जो आता है वो है माउथ वॉश, ये माउथ वॉश मैंने एयरपोर्ट पे यूज़ करने के लिए मेन लिया है और कैनेडा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो एक मैंने छोटा वाला माउथ फ्रेशनर का और माउथ वॉश का एक डब्बा ले लिया है, जो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने पास लेके जाओ। एयरपोर्ट पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि हम ब्रश करेंगे और अपने टीथ को क्लीन करेंगे और अपने माउथ को क्लीन करेंगे, तो उस पर्पज़ के लिए ये माउथ वॉश मैं अपने पास छोटा वाला लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है लिप बाम, मेरे लिप्स बहुत ही ड्राई है और मेरे लिप्स बहुत ही जल्दी सूखे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए उसको ऑयली करने के लिए और उसको अच्छा रखने के लिए ये लिप बाम लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है और ठंडी में मेरे जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए ये एक लिप बाम। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरी स्किन ड्राई है, तो उस पर्पज़ के लिए ये वैसलिन का बॉडी लोशन भी अपने पास लेके जाने वाला हूँ, जो वहाँ के वेदर में सूट होने के लिए मैं थोड़े दिनों के लिए वैसलिन का एक डब्बा लेके जाने वाला हूँ, जो मुझे हेल्प करेगा, आई होप कि मुझे हेल्प करेगा वहाँ के वेदर को सूट करने में। के बाद पैरासूट की ये ऑयल की एक बॉटल लेके जाने वाला हूँ, कोकोनट ऑयल है, आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो ये ऑयल की एक बॉटल अपने पास मैं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं हेयर में ऑयल ज़्यादातर लगाता हूँ, तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऑयल लगाते हो तो आप लोग ऐसे एक दो लेके जाना। मैं ये एक लेके जाने वाला हूँ और दूसरे जो मेरे ऑयल मैंने कहीं और से मंगवाए वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं वो भी लेके जाने वाला हूँ। तो ये पैरासूट का एक ऑयल का बॉटल जो 200 ml का है, आप लोग भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है विक्स वेपोरब, आप लोगों ने भी बहुत यूज़ की होगी ठंड गर्मी में, बारिश में, हर मौसम में इसको हमने यूज़ किया है, सर्दी में इसने बहुत ही हेल्प की है, तो उस पर्पज़ के लिए मैं इसको दो डब्बे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ही होती है, तो उसके लिए ये विक्स के दो डब्बे। बताता है ये पाउचेस, जो शैम्पू के पाउच है, ये लोरियल का शैम्पू का पाउच है, जो मैंने 20 लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे, हमें बॉटल लेके नहीं जाने देते इसलिए मैंने ये पाउच ले लिए लोरियल के, जो स्टार्टिंग के डेज में मुझे हेल्प करेंगे अपने हेयर को वॉश करने के लिए। तो ये पाउच शैम्पू, तो ये शैम्पू के पाउच 20 हो गए और ये 20 कंडीशनर के पाउच लिए, जो लोरियल के ही है, जो मैंने 20 लिए, मैं ये थोड़े एक दो महीना मेरा निकाल देंगे, तो इसके मैंने 20-20 ले रखे। ये एक और हेयर ऑयल की बॉटल है जो मैंने सौराज से मंगाई है, जो हेयर फॉल में या फिर और दूसरे पर्पज़ में यूज़ होगी, एक बॉटल इसकी मैं लेके जाने वाला हूँ और एक पैरासूट की, मतलब टोटल दो हेयर ऑयल के बॉटल अपने पास लेके जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी मेडिकल की पूरी वीडियो, तो यहाँ पे इतनी मेडिकल की चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा कि इतनी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ मेडिकल में, और इसमें मैंने कुछ अदर आइटम भी ऐड कर दिए जो मेडिकल के रिलेटेड ही है, मतलब स्किन केयर के रिलेटेड ही है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा पीस।